काठीकुंड प्रखंड अंतर्गत दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग स्थित प्रसिद्ध बाबा दानीनाथ मंदिर क्षेत्र में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर लगने वाला प्रसिद्ध दानीनाथ मेले को लेकर मंगलवार को मंदिर परिसर में स्थानीय विधायक नलिन सोरेन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। सर्वप्रथम बैठक में पूर्व आयोजित मेला के आय व्यय का ब्यौरा आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष सृष्टि पंडा द्वारा प्रस्तुत किया गया। मौके पर विधायक नलिन सोरेन ने उपस्थित सभी को संबोधित किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित सभी आला अधिकारियों को मेले के दौरान क्षेत्र में विधि व्यवस्था को सही ढंग से बनाए रखने की अपील की। इस वर्ष मेला 8 मार्च से 14 मार्च तक अर्थात 7 दिवसीय होगा। मेले में लगने वाली दुकानों के खुले रहने की समय सुबह 6 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक की रहेगी। अधिकारी द्वारा मेला आयोजन समिति को मेले के सफल आयोजन को लेकर सक्रिय कार्यकर्ताओं को चुनते हुए प्रत्येक वॉलंटियर का आईडी कार्ड होने के निर्देश दिए गए। बता दें मेले के दौरान 7 दिनों तक मुख्य मार्ग पर कोयला गाड़ियों का परिचालन रात्रि 10:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही रहेगा। बैठक में झामुमो प्रखंड कोषाध्यक्ष गोरी शंकर भगत, झामुमो वरिष्ठ कार्यकर्ता हेमंत भगत, सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। काठीकुंड से मुकेश कुमार दास की रिपोर्ट। काठीकुंड मेला के उस बैठक सबसे पहले जो अध्यक्ष सचिव या जो भी नया कमिटी बनी उस सभा को सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं और ये भी कहते हैं कि हाँ जो भी इस मेला का जो भी कार्यकाल हुआ उस कार्यकाल के तहत में आप अच्छे ढंग से मेला चलाने का काम और आपके जो भी सहयोगी होंगे उनको भी ये निर्देश देते हुए कि आप अच्छे ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से जितना दिन मेला रहेगा निश्चित रूप से चलाने का काम शांतिपूर्ण ढंग चलाने का काम करेंगे और जो भी आपके कमेटी के सदस्य होंगे उन लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आपका जो ड्यूटी है कि कैसे हमको यहाँ चलाना है इस संदर्भ में भी आप उन लोगों को निश्चित रूप से निर्देश दें कि अच्छे ढंग से मेला चलाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।